नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे गाबापेंटिन दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे इस दवाई के उपयोगों के बारे में, साथ के साथ जानेंगे इस दवाई को लेने के बाद में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जानेंगे कि आप ये दवाई किन कंडीशंस में उपयोग में नहीं ले सकते। इसके अलावा जानेंगे इसकी डोज के बारे में और भी बहुत जानकारी इस दवाई के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल आखिरी तक इस वीडियो को देखना। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले जानते हैं गाबापेंटिन दवाई के उपयोगों के बारे में। देखिए दोस्तों, इस दवाई का सबसे बड़ा उपयोग पार्शियल सीजर्स में होता है। जब भी दोस्तों किसी को दौरे आते हैं एकदम से, सीजर्स जिसे हम बोलते हैं, तो उस कंडीशन में इस दवाई का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, पार्शियल सीजर्स में क्या होता है, दिमाग के अंदर एकदम से जो न्यूरॉन्स की, नर्व्स की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक्टिविटी के बढ़ने से क्या होता है, हमारे पूरी बॉडी में जो मूवमेंट होता है, सीजर आने लग जाते हैं, वो जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इस नर्व एक्साइटेशन को रोकने के लिए गाबापेंटिन दवाई का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा जो न्यूरेल्जिया होता है, जो नर्व का जो पेन होता है, स्पेशली पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया में इस दवाई का उपयोग किया जाता है दोस्तों। न्यूरेल्जिया में क्या होता है, जो नर्व में एक्टिवेशन ज़्यादा होने से दर्द होने लग जाता है, नसों में दर्द होने लग जाता है, तो इसलिए इस दवाई का उपयोग इस कंडीशन में किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा इसका एक और सबसे बड़ा उपयोग होता है जो डायबिटिक न्यूरोपैथी, जब भी किसी को डायबिटीज़ होती है या फिर नसों में दर्द होता है नर्व्स की वजह से, तो इस दवाई का उपयोग किया जाता है उस नर्व पेन को रोकने के लिए दोस्तों। अगर हम बात करें क्लास की, तो ये एंटी कन्वल्सेंट दवाई होती है जो कि गाबा रिसेप्टर्स पर काम करती है दोस्तों। ये हमारे ब्रेन में, नर्व में उपस्थित होते हैं गाबा रिसेप्टर्स, इन रिसेप्टर्स को ये एक्टिवेट करती है और जो नर्व में हो रहे हाइपर एक्टिवेशन को कम करती है, उसे बैलेंस करने का काम करती है ये दवाई। तो दोस्तों ये था इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। आइए दोस्तों जानते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि पहले किसी को एलर्जी हुई है इस दवाई से तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। आइए दोस्तों जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, इस दवाई को लेने के बाद में, जैसा कि ये दवाई जो है नर्व्स पे काम करती है, तो डिजीनेस, थोड़ा चक्कर आना, थोड़ा कमज़ोरी फील हो सकती है, ड्राउजीनेस फील हो सकता है। इसके अलावा जो कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ा कम हो सकता है और जो विज़न है वो थोड़ा धुंधला हो सकता है। इसके अलावा पेट से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, नोज़िया, वोमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन भी किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, किसी किसी पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। आइए दोस्तों जानते हैं इसकी डोज के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि न्यूरेल्जिया, नर्व पेन की अगर हम बात करें, तो 300 mg पर डे के हिसाब से इसकी डोज हो सकती है। और ये जो 300 mg है, दो टाइम के लिए हम इसकी जो डोज़ है वो रख सकते हैं। इसके अलावा यदि पेन रिलीफ नहीं हो रहा है तो इसकी डोज़ 600 mg तक भी बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों सीजर्स की अगर हम बात करें, तो भी इसकी जो डोज़ है वो 300 mg पर डे के हिसाब से, और जो इसकी डोज़ है वो 600 mg तक हम जो है बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों बच्चों में अगर हम बात करें, 3 से 12 साल के बच्चों में, तो 10 से 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज़ है 3 बार हम डिवाइड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी की, तो मार्केट में इसके कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं, टैबलेट्स भी अवेलेबल होती हैं। कैप्सूल्स 100 mg, 300 mg और 400 mg के अवेलेबल होते हैं। टैबलेट्स की अगर हम बात करें, तो 100 mg, 300 mg, 400 mg और 600 और 800 mg की जो टैबलेट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती है दोस्तों। इसके ओरल सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं 250 mg 5 ml के अंदर। और दोस्तों सीजर एक्टिविटी जो है वो मॉनिटर करना ज़रूरी है इस दवाई को लेने के बाद में। इसके अलावा जो नर्व पेन हो रहा है वो भी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, ये दिमाग पर असर करती है, तो मेंटल स्टेटस भी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है इस दवाई को लेने के बाद में दोस्तों। इसकी यदि फार्माकोकाइनेटिक यदि हम बात करें,
प्रॉपर्टी की, तो इसका जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो 3% से कम होता है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि इसकी जो हाफ़ लाइफ होती है वो 5 से 7 घंटे की होती है, और इसका जो एक्सक्रीशन होता है दोस्तों वो मेनली किडनी के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये था गाबापेंटिन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।